Previously on Two Men Two Bikes. Okay, so hello everyone, this is Anshuman, welcome to Two Men Two Bikes. आज ऐसा हुआ है कि हमको परमिट नहीं मिला था चांगू लेक तक. आज सुबह हम लोग 6 बजे कॉल किए, वो बोला कि परमिट नहीं मिल रहा है. वी वर डिप्रेस्ड एंड ऑल. 9 बजे कॉल आता है कि चांगू लेक को परमिट मिलने लगा है. अभी हम भागम भाग कर रहे हैं बेसिकली. बहुत भागम भाग दिग्विजय और विश्वजीत गए हैं परमिट लाने के लिए. मैं यहाँ पे हूँ बाइक्स वगैरह उठाने के लिए और थोड़ा उनको प्रिपेयर करने के लिए. जैसे ही वो लोग आएंगे हमको बिफोर 10 पहुँचना है चेक पोस्ट को. एंड इट्स ऑलरेडी 9:34. आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑर नॉट, इट्स ऑलरेडी 9:34. तो होपफुली चंगू लेक हम देख के आ जाएंगे. नाथुला पास नहीं हुआ क्यों ना, वेदर काफ़ी बुरा है. यू कैन सी इट इज़ ऑल क्लाउडेड एंड ऑल, कुछ दिख ही नहीं रहा एक्चुअली. बट होपफुली हमको चंगू लेक में स्नो देखने को भी मिलेगा. इट्स गोइंग टू बी एपिक. बट अभी बहुत जल्दबाजी में है तो आई विल डायरेक्टली गेट इन टच विद यू ऑन दी GoPro. ओके, सो ये हम निकल पा रहे चेक पोस्ट के लिए. चेक पोस्ट इज अराउंड 10-15 किलोमीटर होगा. टाइम इज़ ऑलरेडी 10:08 बट वी आर थिंकिंग टू से दैट हमको परमिट ही लेट में मिला तो काइंडली कंसिडर, हम लोग बहुत दूर से आए एंड ऑल एज पर वॉट होटल गाइडेड अस. टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, इट्स अराउंड आई थिंक 10-11 डिग्री सेल्सियस. आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ कि मैं ऐसे टेम्परेचर में बाइक राइडिंग करूँगा. और ऊपर तो जाके टेम्परेचर सब जीरो है, उसका अलग ही मज़ा आने वाला है. मिस्टेक्स डैट वी हैव और आई हैव डन इज़ आई हैव नॉट ब्रॉट माई रेनकोट इन केस बारिश वगैरह कुछ होता है एंड ऑल. तो मैं अपना रेनकोट नहीं लाया हूँ, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है एक्चुअली अगर इन केस बारिश होता है एंड ऑल. तो आई डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन. वो एक है अपना समरी और नथिंग एल्स. वी आर लिटिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई हैव नो आइडिया हाउ इट्स गोना लुक, हाउ इट्स गोना फील. एवरीवन इज़ सेइंग दैट आपको स्नो दिखने मिल जाएगा, ये होगा वो होगा. और ये रहा अपना चेक पोस्ट. सो बेसिकली वी हैव टू स्टॉप आवर बाइक हियर फॉर द चेक पोस्ट. बाइक कहाँ पे रखें? ये था अपना 3rd mile. यहाँ से हम सीधा क्लाइंब करेंगे. बेसिकली चंगू लेक इज ऑलमोस्ट एट द ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ गैंगटॉक, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. एनीवेज खाएगा कुछ? तू खाएगा? जा खा ले ना. से ये का कोच था बोले अधिक फोकला जी कौन हो चांगू लेक के बारे में. डाउट हो जाए कि मिलियो बोली न मिले. हाँ हाँ ये लोग कुछ खाएंगे पिएंगे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं. ये जो शॉप के जो ओनर है काफ़ी फ्रेंडली है, एकदम हमको अपने घर के अंदर ही घुसाला है. बोले कि आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं एंड ऑल. एंड विश्वजीत इज़ एज यूजुअल इन अ बिजनेस, बट ये थोड़ा अलग बिजनेस है इस बार. बेसिकली ही इज़ अप्लाइंग फेविक्विक टू हिज ग्लव्स लोगो. आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू. तो वहाँ पे हीटर लगा है, वो बेसिकली फेविक्विक को हीट कर रहा था क्योंकि ना यहाँ पे फेविक्विक भी जम गया है, इतना ठंड है. एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जो विंडो से मुझे दिख रहा है. तो यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स द जर्नी. कान में पूरा दर्द कर रहा है, हवा नहीं आ रहा है तो सूंघ लेने का सूंघना पड़ेगा. तो कान को ऐसे बंद करके
से अंदर से सांस लेगा ना, यहाँ से आपका हवा निकल जाएगा। अच्छा, कैंपर कैंपर सही है। चलो यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नहीं बोले तो कम ही सामान लिए हैं, तो जहाँ ऊपर जो जरूरत होगा वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, वेलकम सर। डिस्पाइट ऑल ऑड्स वी वर फाइनली ऑफ टू राइडिंग एट इवन हायर एल्टीट्यूड्स। दो वी वर गोना मिस ऑन नाथुला एंड जुलुक, आई वॉज गोइंग टू सी स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द जर्नी इटसेल्फ वॉज नथिंग लेस देन हेडिंग टू गॉड्स पैलेस। बर्फ बर्फ। यस प्लीज सर, गो अहेड, यू विल एंजॉय। ये आप देख सकते हो स्नो है, अल्टीट्यूड इज 3900 meters। आर यू किडिंग मी? अरे बाप रे, तो वी हैव राइड इट। चलो यार, में राइडिंग नहीं करना है, नहीं थोड़ा साइसिंग करवाएगा, रुक जाते थोड़ा थोड़ा एक मिनट रुक जाते। ओके, सो हम लोग फाइनली चंगु लेक में है। ये आप देख सकते हो हमारी बाइक्स और ये तो पूरा बर्फीला है। ये सब याक्स यहाँ पे प्रोबेबली अभी टेम्परेचर एटलीस्ट माइनस में होगा ही, बिलो सब जीरो होगा ही। एंड मैं अपना बिनी लाना भूल गया, तो अपना बेसिकली हेलमेट में जो पहनते हैं टोपी वही पहन के घूम रहा हूँ। काम कर रहा है, काम कर रहा ग्लास थोड़ा बहुत। मैं ले पीनी ले ले यार, 150 में दे दो। कौन सा चाहिए? ब्लैक वाला तो पी दी, ये वाला ये क्या चाहिए तेको? एक पीनी, ये नहीं बोलन पीनी दे दो, एक बोलन पीनी। Thank you.
ठीक है साले अंदर घुसा दिया पूरा पे पहनने के लिए टोपी हाँ टोपी चाहिए टोपी टोपी यहाँ पर है तो कोई इन टोपी तो कौन सा चाहिए टोपी ले लेते मेरे लिए मुझे कौन से बिनी ले ये टोपी चाहिए टोपी ये ब्लैक वाला दे दो सही बात आजा अबे देख आजा देख मैं कैमरा पकड़ा हूँ तेरा मेरे पे नहीं बढ़ना चाहिए इधर नहीं खाली जगह मैं से भी पहले मैं पहना दूँ हाँ प्लीज ए रुकिए ना उल्टा करना थैंक यू अभी कुछ फील हुआ है कहाँ से फील होगा चल 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 स्लो में खेलेंगे चल चल निकल कहाँ जाना है अपने चीज तो रहा तो माँ एक होने चला फट करे कुदाई चले चलो ना दिस इज याक शिट तो ये गांव लेक के पास है जा मुंह धो ले विश्वा को धोना है तू गिर गए है गंदा है तेरा हाथ गंदा है जा धो ले जा अबे छी 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 बे भाई गंदा है बे अबे ये कोई पकड़ो गया फाइनली अंशुमन फेल डांसेगा नहीं बैठ गया ये देखो पीछे दिखा और हंसा पकड़ भाई मेरे को ये पहनना पड़ेगा पैसा ठंडा हो रहा है चलो चलो ऊपर चलते वहाँ पे अच्छा होगा बर्फ खेलने के लिए दुकान के पास मेरे ऊपर ओहो साले इससे और क्या बदला लेगा पता है आ जाते हैं फाइनली ये है बर्फ का गोला अच्छे से करेंगे नहीं मैंने फेंकने वाला बहुत ठंडे स्नोमैन बनाते हैं स्नोमैन ये देख रहे इसको ये देखो इसको मैं गिर रहा फाइनली वाला गोला बना है घड़ी पे देख कितना कितना हजार फीट है 12,000 वो तो वहाँ था 100 इधर कहाँ 10-20 फीट 3,670 3,670 मीटर मीटर माय गॉड अंशुमन बस इंतजार करे कैसे मैं नीचे वो फेंकेगा मेरे पे बट आई वॉन्ट ड्रॉप दिस इससे सिर फूट जाएगा महासेना
घात प्रतिघात पैंट में फेंका पैंट में फेंका साला मुंह को चुपता है अभी बर्फ अब सोच तू जब मेरे आंखें मारा होगा तो क्या हुआ होगा आई कैन फील साले ठीक है और फेंका फेंकी मत करो ठीक है अंशुमन सीज फायर पाकिस्तान भी सीज फायर करता है लेकिन हर रोज फायर करता है बॉम्ब टू बॉम्ब बॉम्ब टू बॉम्ब फेंक यहाँ पे फेंक यहाँ पे मैं सच यहाँ पे फेंकूंगा कसम से देख एक फेंक के दिखाता हूँ देख कैसे फेंका और एक वैसे फेंकूंगा चल आजा हो जाए यार देखिए इस बचलन को बोल के अरे अरे ये पाकिस्तान है चुल्लू भर हिंदुस्तान है किसी को इस पे ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है आई लव माई इंडिया देखा पीठ पीछे वार करता है ऐसे ही है और ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया से डरते हैं अच्छा जैकेट का आर्मर नहीं तो बदन Snowman बनाएंगे snowman चलो snowman वो भी clear हो गया I am doing the slide on my own risk they are not responsible I mean Visajan and Dibu they are not responsible yeah. we tried to stop him but nothing can stop Anshuman he is an avid drinker of thumbs up so he is always tries to do something too funny इसी में करूंगा मैं तो अरे मैं तो मस्त है अरे मस्त है जैसे जैसा आ रहा है नहीं गिरोगे आजा जरा तुम्हें कर 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 अरे यार जूते में घुस गया रेडी गो गो अरे भी थोड़ा के बैठा ली तो ये अविनाश भी मिल गए हमें सॉरी Finally we made it. Yes. And I hope this boy is not boring you in this tour. Okay. Depression mein chala gaya tha behind the scene. And then I told ki Changuk ka pass mil raha hai. Thik 9 baje. Exactly 9 baje ye bola ki Changuk ka pass mil raha hai. Apne travel agency se. And I saved their day, okay? Saved their day. Date mein mera naam rakhna. Aise lamba lamba aayega. Title mein rahega tera naam. Abhinav saved the day. Yes. And that was it. Coming to this mesmerizing snow-covered mountains, at this high altitude, it was beyond anyone's imagination. And to celebrate the same, or to beat our hunger, we had some steaming hot momos, wok noodles, and coffee. It was not just the memories we will be taking away with us. It's an achievement as well. An achievement of coming to this place in three motorcycles.